हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी अपने बीएसएनएल वाले सिम को पोर्ट करना चाह रहे हैं और जैसे ही आप अपने बीएसएनएल वाले सिम से अपना पोर्ट वाला मैसेज सेंड कर रहे हैं तो आपका मैसेज भी यहां पर फेल्ड हो जा रहा है और आपके पास आपका पोर्टिंग कोड नहीं आ पा रहा है, जिससे आप अपने बीएसएनएल वाले सिम को किसी भी दूसरे सिम में पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बीएसएनएल वाले सिम को पोर्ट वाला मैसेज सेंड कर सकते हैं और आप अपने बीएसएनएल वाले सिम को पोर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी काफ़ी सारी वीडियोस देख चुके हैं और थक चुके हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आप अपने बीएसएनएल वाले सिम से मैसेज सेंड कर रहे हैं और आपके पास बैलेंस भी है, सब कुछ है, तब भी आपका मैसेज सेंड नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है कि बीएसएनएल ने यहाँ पर नई गाइडलाइंस निकाल दी है, जिससे कि दोस्तों आप यहाँ पर अब 147 का रिचार्ज कराएंगे तभी आप यहाँ पर पोर्ट वाला मैसेज सेंड कर पाएंगे। अगर आपने 147 वाला रिचार्ज नहीं कराया है तो दोस्तों आप यहाँ पर पोर्ट वाला मैसेज नहीं सेंड कर पाएंगे और आप अपना पोर्ट नहीं करा सकते। तो आपको सबसे पहले तो ये कर लेना है कि आपको अपने बीएसएनएल वाले सिम पर 147 का रिचार्ज करा लेना है। तो ये रिचार्ज दोस्तों 1 महीने का रिचार्ज होता है। अगर आपको ये रिचार्ज करा लिया है तो दोस्तों इसके बाद आप अपना पोर्ट वाला मैसेज सेंड करेंगे तो दोस्तों आपका मैसेज यहाँ पर ईजिली सेंड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारी कंपनियों के आकर्षक ऑफर आ रहे हैं जिसकी वजह से दोस्तों लोग बीएसएनएल से अपना नंबर पोर्ट करा रहे हैं और दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों बीएसएनएल ने ये स्कीम निकाली है कि दोस्तों अब यहाँ पर कोई भी आसानी से पोर्ट नहीं कर सकता है। अगर उसको पोर्ट कराना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको 147 का कम से कम रिचार्ज कराना होगा, तभी आप अपने बीएसएनएल वाले सिम को यहाँ पर पोर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने बीएसएनएल वाला सिम यहाँ पर पोर्ट करा दिया, वो रिचार्ज कर लिया 147 वाला, तो दोस्तों आप यहाँ पर पोर्ट वाला मैसेज आसानी से आप यहाँ पर भेज सकते हैं और आपके पास पोर्टिंग कोड यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में आपने 147 वाला रिचार्ज भी करा लिया तब भी आपके मोबाइल में मैसेज सेंड नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों आप यहां पर ये स्टेप ट्राई कर सकते हैं। आपको यहां पर क्या करना होगा, आपको यहां पर क्रोम पर जाना होगा और क्रोम पर जाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको सर्च वाले बॉक्स पर क्लिक करना है और सर्च वाले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, जैसे आप यहां पर सर्च वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको टाइप कर देना बीएसएनएल मैसेज सेंटर नंबर। तो आपने यहां पर बीएसएनएल मैसेज सेंटर नंबर टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको चाहे तो यहाँ पर आप बीएसएनएल सेंटर नंबर के पीछे आप अपनी यहाँ पर कंट्री का नाम भी डाल सकते हैं, जिस भी सिटी में आप यहाँ पर रहते हैं। तो अभी हम यहाँ पर लखनऊ डाल देते हैं, हमें लखनऊ का पोर्ट सर्विस मैसेज सेंटर नंबर चाहिए। तो हम यहाँ पर बीएसएनएल पर टाइप कर देते हैं और बीएसएनएल पर टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे मैसेज सेंटर नंबर आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कोई सा भी एक मैसेज सेंटर नंबर टाइप करना है ना, जो भी कॉपी कर लेना जो भी आपकी सिटी का है। तो लखनऊ दोस्तों यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं अभी, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश ईस्ट में पड़ता है तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश ईस्ट वाला यहाँ पर मैसेज सेंटर नंबर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको अब यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपने मैसेज को ओपन करना है और मैसेज को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मैसेज वाली सेटिंग में आ जाना है। तो हम यहाँ पर मैसेज वाली सेटिंग में आने के लिए दोस्तों ऊपर 3 डॉट का आपको निशान नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम सेटिंग पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एसएमएस सेंटर नंबर आपको दिखाई देगा, वो दोस्तों आपको यहाँ तो हो सकता है यहाँ पर बाहर की साइड में दिखाई दे या फिर आपको यहाँ पर दोस्तों एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कि आपको यहाँ पर शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर का ऑप्शन यहाँ पर मिल चुका है। तो आप सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 10 डिजिट का नंबर दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर दोस्तों ये नंबर यहाँ से हटा देना है और यहाँ पर दोस्तों आपने जो नंबर अभी कॉपी किया था वहाँ से वो नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, इसको कर देना ओके। ओके करने के बाद दोस्तों आपकी यहाँ पर मैसेज वाली सेटिंग यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपका यहाँ पर अपने 147 वाला रिचार्ज भी करा लिया तब भी आपको रिचार्ज पोर्ट मैसेज सेंड नहीं हो पा रहा है तभी आपको ये प्रोसेस करना है, अदरवाइज आपको ये प्रोसेस ट्राई नहीं करना है, क्योंकि आपका मैसेज यहाँ पर 147 के रिचार्ज पे ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। अगर सेंड नहीं हो पा रहा तब आपको ये ट्रिक अपनानी है और जैसे आप इस ट्रिक को करके देखेंगे तो दोस्तों आपका मैसेज यहाँ पर सेंड हो जाएगा। अगर दोस्तों इस ट्रिक से भी आपका मैसेज सेंड नहीं हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक और
ट्रिक यहाँ पर आपको कर लेनी है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना होगा, और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे के साइड में आ जाना है। नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप मैनेज ऐप्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इस मैनेज ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो सर्च वाला बॉक्स है यहाँ पर क्लिक कर लेना, और दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है मैसेज। तो हम यहाँ पर मैसेज सर्च कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है MESS मैसेज। तो जैसे आप यहाँ पर मैसेज टाइप करेंगे तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर मैसेजिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर मैसेजिंग वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और सबसे आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको दोस्तों मोबाइल डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर इसको अगर यहाँ पर अनटिक है तो आपको यहाँ पर इस पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक परमिशन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर जितनी भी परमिशन दी गई है आपको इन सारी परमिशन को यहाँ पर ऑन कर देना है। तो हमारे मोबाइल में ये सारी परमिशन पहले से ऑन है, तो हमको यहाँ पर इसको ऑन नहीं करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और कर लेनी है, यहाँ पर आपको क्लियर डेटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और क्लियर कैचे इसको कर देना है। तो हम यहाँ पर इसको क्लियर कैचे कर देते हैं। इसको करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर ये मैसेज वाला ये ऑप्शन यहाँ पर सेट हो चुका है, यानी कि सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वापस बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पे आना है। आपको ये ऑप्शन सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो आपके इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों अगर आपका BSNL वाला सिम 4G सिम है तो आपको यहाँ पर वोल्टी वाले इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो हमने यहाँ पर पहले से ऑन किया हुआ है, अगर आपके मोबाइल में ये वोल्टी वाला ऑप्शन ऑन नहीं है तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपका ये प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से मैसेज सेंड करके देखना है कि अब आपका यहाँ पर मैसेज सेंड हो रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर जैसे कोई मैसेज यहाँ पर सेंड करेंगे तो आपका मैसेज यहाँ पर तुरंत यहाँ पर सेंड हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप इस पोर्ट वाली मैसेज प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं, और दोस्तों आप अपना पोर्ट वाला मैसेज अपने नंबर पर मंगा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको 147 का रिचार्ज करा लेना है। अगर आपने ये रिचार्ज नहीं कराया तो दोस्तों आपका मैसेज सेंड नहीं हो पाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर BSNL के कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं, और BSNL के कस्टमर केयर से बात करने के बाद दोस्तों भी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉर्ट आउट हो सकती है। तो BSNL के कस्टमर केयर का भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ये सब स्टेप करने के बाद भी मैसेज सेंड नहीं हो पा रहा है तो आप 1503 नंबर पर BSNL के कस्टमर केयर से बात करके इस प्रॉब्लम को बता सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट सॉल्यूशन यहाँ पर हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। अगर आपका कोई फीडबैक है तो दोस्तों वो फीडबैक भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।